devastating, brilliant, stunning, sublime, supreme. एक किताब का नाम है सड़कता सूरजमुखी. दिस इज अ गुजराती टाइटल और ये बेसिकली ट्रांसलेटेड है गुजराती में. ओरिजिनल उसका ओरिजिनल जो वर्क है वो लस्ट फॉर लाइफ है. इट इज विंसेंट वैन गोग्स लाइफ. इट इज स्टनिंग बुक. विंसेंट वैन गोग एज एन आर्टिस्ट हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन. द काइंड ऑफ पैशन एंड द इंटेंसिटी विद विच ही हैज स्पेंट हिज लाइफ एंड डन हिज वर्क इज बीन वेरी वेरी इनक्रेडिबल. इट्स स्टनिंग. आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट. दूसरा किताब है मरीज नाम के एक बहुत गुजरात के बहुत बड़े शायर हो गए. उनकी किताब है आगमन. उनकी गजलों का उनकी शायरी का वो कलेक्शन है. मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्लेम करना मैं पसंद करूँगा कि तो उनकी पोइट्री की जो ताकत है वो करीब करीब गालिब की कक्षा की है. करीब करीब इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ इसलिए. लेकिन कोई उर्दू के बहुत बड़े शायर या बड़े विवेचक गुजराती भाषा सीखे और ये मरीज को पढ़े उनकी गज़लों को गुजराती कविताओं को पढ़े तो वो ऐसे कंक्लूजन पर भी पहुँच सकते हैं कि गालिब से मरीज एक मार्क ज़्यादा स्कोर करते. एंड थर्ड वन इज यश की धरोहर. यश की धरोहर भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों के ऊपर उनके जो फेलो थे उनके साथी उनके कॉमरेड्स उन सभी ने साथ में मिलकर कहानी लिखी भगत सिंह के जीवन के ऊपर चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर सुखदेव के ऊपर राजगुरु के ऊपर. तो आपको कभी कभी ऐसा सवाल होता है ये जो जिन लोगों ने किताब लिखी ये भगवान दास माहौर सदाशिवराव मलकापुरकर शिव वर्मा ये बड़े महान क्रांतिकारी ये बड़े महान प्रोज राइटर है वो आपको डायलेमा खड़ा कर दे उतना तगड़ा काम है. तो कंटेंट और प्रोज की क्रिएटिविटी दोनों के सेंस में ये बहुत ही गजब की चीज है. दिस थ्री बुक्स हैव लेफ्ट इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट एंड इम्प्रिंट ऑन माय सोल ऑन माय एग्जिस्टेंस एंड आई अपील थ्रू यू टू पीपल ऑफ दिस कंट्री टू गो थ्रू दिस बुक्स पर्टिकुलरली दिस लस्ट फॉर लाइफ विच इज़ वेरी मच अवेलेबल इन इंग्लिश एंड यस की धरोहर विच इज़ वेरी मच अवेलेबल इन हिंदी एज़ वेल. स्टनिंग सब्लाइम सुप्रीम कैसे एडजेक्टिव यूज